मैं अपनी जाति की पहली लड़की थी जो स्कूल गई। मैं अपनी गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज गई। और अपना खुद का बिजनेस है। क्या सभी लड़कियों को एक मौका पाने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उम्मीद है नहीं। जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे स्कूल नहीं भेजते थे। यह सब मुझे मंजूर ना था। मैं पढ़ना चाहती थी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल छोड़ने और मुझ पे शादी करने का दबाव डालना चाहा। मुझे अपनी ज़िंदगी से और चाहिए था। मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए भूख हड़ताल की। कॉलेज फी भरने के लिए मैं मधुमक्खी पालिका बनी। इसके लिए मैंने प्रशिक्षण ली। वहाँ मुझे थोड़ा डर भी लगा क्योंकि वहाँ मुझसे दोगुनी उम्र के पुरुष थे। और अपना खुद का बिजनेस है। मैंने अपने परिवार का घर सही तरीके से बनाया और उनकी मैं दवाइयों का खर्च उठाती हूँ। मुझे देखकर आज हमारे गांव की सारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। मेरी कहानी आपके लिए क्या मायने रखती है? मैं अकेली लड़की हूँ जिसे अपनी बात कहने का मौका मिला है, परंतु 60 करोड़ ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्हें यह मौका शायद ना मिले। आप दुनिया चलाते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। लड़कियों को एक मौका देने के लिए जो कुछ भी करें मैं चाहती हूँ वो आप करें। मेरा नाम अनीता है। मैं एक लड़की हूँ। अब मैं आप लोगों से सुनने का इंतज़ार करूँगी।